हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इथिकल हैकिंग के 6th लेक्चर में। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो हमारी वाईफाई क्रैकिंग का आपको बता रहे थे, हमने मतलब उसको मैनेज मोड से मॉनिटर मोड में कन्वर्ट किया था और उसके बाद हमने एरोडंप एनजी को रन किया था। तो उसके बाद का प्रोसीजर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो हमारी काली लिनक्स थी वो हमने स्टार्ट कर दी है, तो उसके बाद का प्रोसीजर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम सिंपली अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं जो हमारा यहाँ पे था, इसको हम सिंपली फटाफट वहीं तक ले के जाते हैं। आ चुके थे, इसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारा मॉनिटर मोड में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जो हमारे बैंड्स होते हैं बैंड की फ्रिक्वेंसी को हमने थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो हमारी 2.4 एंड 5.1 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है, अगर हमें उनको स्कैन करना है, उनको स्कैन करने के लिए कमांड हमें अलग से लगानी पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये फ्रिक्वेंसी स्कैन करेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को ही स्कैन करेगा, क्योंकि मेरी जो यहाँ पे वाईफाई डोंगल है, जो छोटा सा रिसीवर है, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को ही सपोर्ट करता है। अगर आपके पास इससे बड़ा जो डिवाइस है, अगर वो डिवाइस है, तो आप उसमें 5.1 और जो हमारी 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, उन दोनों को आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। तो उसके लिए एक जो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, उसको हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे देना है बैंड के बाद जो हमारा हमने देना है ए। अगर हम बैंड के बाद ए लिखेंगे तो हमारी ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को ही स्कैन करेगा, मतलब जो हमारी 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है सिर्फ उन्हीं को स्कैन करेगा। ठीक है, तो हमें किस पे कराना है, डब्ल्यू लेंथ 0 पे। तो हम जैसे इसको रन करेंगे तो हमारे यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को ही स्कैन कर पाएगा, उससे बड़ी फ्रिक्वेंसी स्कैन नहीं करेगा। अगर हमें करानी है 5.1 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को स्कैन कराना है, तो उसके लिए हमें एक अलग कमांड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ उसी को ही स्कैन करेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बैंड के बाद ए लिखा था, तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को ही स्कैन करेगा। अगर हमें 2.4 और 5.1 गीगाहर्ट्ज दोनों फ्रिक्वेंसीज के वाईफाई हमने काली के अंदर शो कराने, हमें देखना कि कौन सा 2.4 गीगाहर्ट्ज का है और कौन सा 5.1 गीगाहर्ट्ज का है वाईफाई यहाँ पे आसपास है। अगर हमें उन दोनों को यूज़ करना है, तो उसके लिए सिंपली हमें जो यहाँ पे एरोडंप एनजी के बाद बैंड यहाँ पे लिखा था, तो उसमें एक हमें और ऐड करना है एबीजी। तो हमें सिंपली ये कमांड रन करानी है। ये कमांड रन कराने के बाद ये क्या करेगा, जो 4.1 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, सॉरी 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, उसके साथ साथ आपकी 5.1 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को दोनों को स्कैन करेगा। अब इनमें फ़र्क क्या है, 5.1 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा स्पीड देती है, इसलिए लोग कुछ होते हैं कि वो 5.1 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के वाईफाई यूज़ करते हैं ताकि उनको 5G की स्पीड मिले, और जो नॉर्मली होता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ही होती है जो नॉर्मल सब यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक जो हमारा ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी का था, वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो हमें इसको कैसे क्रैक करना है, जिसकी सिक्योरिटी WPA2 है, तो इसको स्कैन करने के लिए हमें एक और वो लगानी पड़ेगी कमांड। कमांड हम कैसे लगाएंगे, सिंपली इसको हम करते हैं, पहले रोकते हैं, क्विट करते हैं। क्विट करने के बाद हमें जो WPA2 के पैकेट स्निप करने हैं और इसको क्रैक करना है। क्रैक हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको इस एथिकल हैकिंग कोर्स में बताई जा रही है कि आप इस वाईफाई से बिना कनेक्ट हुए, मतलब आप इस वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगे, बट फिर भी इस वाईफाई के थ्रू जितना भी डाटा ट्रैवल हो रहा है, मतलब पैकेट्स ट्रैवल हो रहे हैं, आप उनको स्निफ कैसे करोगे और अपने सिस्टम के अंदर राइट कैसे करोगे। सिंपली हमें एक जो हमारी एक नई डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, तो हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली प्रोग्राम के नाम से। तो जैसे कि हमारी ये डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, हम इस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे।
तो जैसे हम इस डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं, तो इस टाइम इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ नहीं है। तो हमें ये सब डेटा जो पैकेट्स हैं उसको कैसे राइट कराना है, उसके लिए मैं आपको कमांड बता देता हूँ। अब हमने यहाँ पे BSSID लिख के, मतलब BSSID हमें जो इसका मैक एड्रेस है इसके पैकेट स्निप करने हैं। तो हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमने जो इसकी BSSID थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो सिंपली इसको पेस्ट करने के बाद हमने देना है चैनल, मतलब जो हमने इस जो हम इस वाईफाई के पैकेट स्निप करेंगे इसका हमें चैनल नंबर देना है, जो यहाँ पे चैनल नंबर है 11। तो हम यहाँ पे देंगे चैनल नंबर। और उसके बाद हमें जो इस वाईफाई के थ्रू पैकेट्स ट्रैवल हो रहे हैं उनको राइट कराना है। तो उनको राइट कराने के लिए हम कमांड करेंगे राइट, और राइट करने के बाद हमें जहाँ पे इसको सेव कराना है, सेव कराने का मतलब जैसे कि हमें प्रोग्राम के अंदर सेव कराना है। जो हमारा ये प्रोग्राम के नाम से हमें एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट की थी इसके अंदर हमें इसको सेव कराना है। इसके अंदर सेव कराने के लिए हमें एक जो इसको नाम देना पड़ेगा, नाम दे देंगे हम Wi-Fi 2 के नाम से। तो Wi-Fi 2 के नाम से हमने इसको यहाँ पर सेव करा दिया। तो इसको सेव कराने के बाद हमें ये जो हमारा सारा प्रोसीजर है, प्रोसीजर कहाँ पे चल रहा है, WLAN 0 पे। तो हमें WLAN 0 देना पड़ेगा। तो हम इसको जैसे ही रन करेंगे तो इस वाईफाई के थ्रू जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है इस टाइम और वो जो भी इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हैं, तो उन सब के पैकेट स्निफ होके आपके पास एक फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा भी देता हूँ एक बार। जैसे हमने यहाँ पे प्रोग्राम के नाम से बनाया था एक, ये हमारा फोल्डर प्रोग्राम के नाम से। अब यहाँ पे वाईफाई के नाम से हमने एक बनाया था, तो वाईफाई 2 के नाम से हमारे पास एक फाइल आ चुकी है। तो इस फाइल के अंदर वही डाटा है जो इस टाइम मतलब इस वाईफाई से कनेक्टेड है, और वो पर्सन जो भी इंटरनेट पे एक्सेस कर रहा होगा इस वाईफाई के थ्रू, जो हमने यहाँ पे WPA2 को विदाउट कनेक्ट हुए हमने इसके पैकेट स्निफ किए, मतलब हमने इस डिवाइस से कनेक्ट नहीं हुआ बट फिर भी हम इसके पैकेट स्निफ कर रहे हैं। तो मतलब इस डिवाइस पे जितना भी अभी काम चल रहा होगा, जितने भी बंदे इससे कनेक्टेड होंगे, अभी आई थिंक है नहीं इससे कोई कनेक्टेड, बट जितने भी इससे कनेक्टेड होंगे वाईफाई से, इस मैक एड्रेस से जितने भी कनेक्टेड होंगे विक्टिम, वो जो भी इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हैं इस टाइम, उनका हमारे पैकेट स्निफ होके यहाँ पे सेव हो रहे हैं। जो ये फाइल है इसके अंदर वो सेव हो रहे हैं, वो इंक्रिप्शन है WPA2 में। तो इस फाइल को हमें कैसे ओपन करना है, सिंपल, ये फाइल ओपन नहीं होगी। इसको फाइल को ओपन करने के लिए एक टूल आता है जो मतलब इस फाइल को ओपन करेगा और इस फाइल के अंदर जितने भी डाटा ट्रैवल पैकेट्स हो रहे हैं उनका सारी इंफॉर्मेशन हमें देगा। तो वो उस टूल्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तो बने रहे हमारे चैनल पर और देखते रहें लेट्स हैक द प्रोग्रामिंग, और बेल आइकन को ज़रूर एक बार प्रेस करके जाएं ताकि आपको न्यू अपडेट वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।